एजुकेशनल चैनल क्रेजी इंग्लिश। आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था वर्ब, तो आज हम उसके फॉर्म्स में पढ़ेंगे इसके कौन कौन से काइंड्स आ जाते हैं। तो जिसमें सबसे पहले आता है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, जिसको हिंदी में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले देखें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स यानी सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के बारे में दिया है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स आर एक्शन वर्ब्स दैट हैव एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव दैट एक्शन। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब के जो सेंटेंसेस होते हैं, इसमें जो भी वर्ब होता है, जो भी क्रिया होता है, वो एक ऑब्जेक्ट से जुड़ा होता है। यानी सब्जेक्ट के द्वारा क्रिया किया जाता है और वो ऑब्जेक्ट से जुड़ जाता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव के सेंटेंस में जो होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं, ठीक। और क्रिया के बिना तो कोई सेंटेंस बनता नहीं है। और जब एक सकर्मक क्रिया एक ऑब्जेक्ट से के ऊपर बताती है कि किसके द्वारा ये क्रिया की गई है, तो वो सेंटेंस पूरा होता है। यानी कि एक सकर्मक क्रिया जो है वो एक कर्म लेती है, यानी कि वो एक ऑब्जेक्ट लेती है, ताकि वाक्य पूर्ण अर्थ का बन सके। जैसे यहाँ एग्जांपल्स में दिखी दिया है आई बेक सम कुकीज़, तो यहाँ बेक से क्या रिलेटेड है, कौन सा ऑब्जेक्ट, कुकीज़ है। इसी तरह सेकंड में आई राइड द बाइसिकल, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया बाइसिकल। और आई मूव द चेयर, मूव क्या चीज़ मूव करने के बारे में बोल रहा है, चेयर के बारे में। तो इस तरह से जिन सेंटेंसेज में वर्ब एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, वो सेंटेंस ट्रांजिटिव सेंटेंस यानी ट्रांजिटिव वर्ब के सेंटेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट है इंट्रांजिटिव में। इंट्रांजिटिव में देखिए क्या दे रहा है, इंट्रांजिटिव में दे रहा है कि पिंक लेते हैं, चलिए इंट्रांजिटिव में दे रहा है, इंट्रांजिटिव होता है अकर्मक क्रिया। कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर एक्शन वर्ब्स बट अनलाइक ट्रांजिटिव वर्ब्स दे डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट रिसीविंग द एक्शन। जैसा कि आपने ट्रांजिटिव वर्ब में पढ़ा कि वर्ब जो होता है उसके लिए एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि वर्ब ऑब्जेक्ट से रिलेट करता है। लेकिन जो इंट्रांजिटिव वर्ब से सेंटेंसेज होते हैं, इनमें जो वर्ब होता है सेंटेंस में, उसके लिए किसी ये ज़रूरी नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट उसमें हो। देख द सेंटेंस कैन बी इंट्रांजिटिव सेंटेंस कैन बी कम्प्लीट विदाउट एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल्स में देखिए दिया है और क्या दे रहा है, दे डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट रिसीविंग द एक्शन। तो देखिए आई लाफ, लाफ के बाद नहीं दे रहा है, आई लाफ के बाद देना अगर दिया होता कि लाफ किससे रिलेटेड है, तो ये ट्रांजिटिव होता। बट सिर्फ आई लाफ दिया है, आई क्राई दिया है, द बुक फेल्स दिया है। तो इनमें वर्ब्स लाफ, क्राई, फेल्स, फॉल्स, ये सारा जो है इसमें किसी चीज़ से रिलेट नहीं कर रहा, कोई ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं ये इंट्रांजिटिव सेंटेंस और वर्ब कहलाते हैं। आइए थोड़ा और इसको डिस्क्राइब करके देखते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते क्या हैं। ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, जैसे वर्ड्स ट्रांजिटिव वर्ब में दे रहा है कि एक ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है दैट रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ अ और नाउन और प्रोनाउन टू कम्प्लीट द मीनिंग, द ऑब्जेक्ट आंसर्स टू द क्वेश्चन होम और वॉट। जैसे एग्जाम्पल्स में दिया है द स्टूडेंट वर, द स्टूडेंट्स राइट कॉम्पोजिशन, वर द स्टूडेंट्स राइट टू कॉम्पोजिशन। तो यहाँ पर राइट से रिलेटेड दिया है कॉम्पोजिशन, तो ये एक ट्रांजिटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है पीटर लव्स मेरी, तो लव्स किससे, तो मेरी से, तो यहाँ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट दिया होता है, तो वो ट्रांजिटिव सेंटेंस कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला इसका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस फॉर्म ट्रांजिटिव सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट आर इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव में वही है, एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज द वन दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, जिसके सेंटेंस में वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, और फिर भी उसका मीनिंग कंप्लीट होता है, बिना ऑब्जेक्ट के भी ये सेंटेंस कंप्लीट बनता है, जिसमें इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। द सेंटेंस में एंड विद द वर्ब
और एडजेक्टिव और एडवर्ब वो किसी भी वर्ड से एंड हो सकता है, वो उसका एंडिंग वर्ब वर्ड हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है या कोई एडवर्ब हो सकता है। और जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे, जो भी इसमें वर्ब होते हैं उनसे जब हम ऐसे पूछते हैं कोई वर्ड कि व्हेन, वेयर, हाउ और व्हाई, तो कोई ऑब्जेक्ट से जब रिलेट नहीं करता तो सिर्फ वर्ब तक ही रह जाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, द चिल्ड्रेन सेट दिया है, फर्स्ट वन द चिल्ड्रेन सेट, और सेट के बाद फिर इस फर्स्ट सेंटेंस में कुछ नहीं ऐड किया है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हो गया एक इनट्रांसिटिव वर्ब। द चिल्ड्रेन सेट एट दे रहा है, टाइम दे रहा है, द चिल्ड्रेन एट द टेबल दे रहा है, और द चिल्ड्रेन सेट क्वाइटली दिया है, द चिल्ड्रेन सेट बिकॉज देयर मदर टोल्ड देम टू, तो इन सारे में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रहा है, द चिल्ड्रेन सेट वेयर यानी कहाँ इससे संबंधित नहीं दे रहा है, तो ये सेंटेंसेस जो होते हैं ये इनट्रांसिटिव होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस इनट्रांसिटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और देखिए इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हैं। वर्ब में अगर हम प्ले लेते हैं तो इसका ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव कैसे बनेगा, ट्रांसिटिव में हो गया माय पेरेंट्स प्ले द पियानो, और इसी का इनट्रांसिटिव हो जाएगा देयर वर सम किड्स प्लेइंग फुटबॉल इन द स्ट्रीट, तो यहाँ पर ये हो गया इंट्रांसिटिव सेंटेंस। रीड वर्ड अगर हम लेते हैं एज ए वर्ब तो हो जाएगा वी आर रीडिंग न्यू बुक, और क्योंकि यहाँ पर रीडिंग दे रहा है तो बुक से रिलेटेड हो गया, लेकिन इंट्रांसिटिव में वी आर रीडिंग दिया सिर्फ किसी से रिलेट नहीं कर रहा है तो ये इंट्रांसिटिव सेंटेंस हो जाएगा। सेम वे नेक्स्ट सेंटेंस कैंसिल वर्ड से बना है, दिया है कि कैंसिल द रिजर्वेशन, तो यहाँ कैंसिल क्या वॉट रिजर्वेशन, कैंसिल से रिलेटेड रिजर्वेशन दे रहा है तो ये एक ट्रांसिटिव सेंटेंस हो गया, और सेकेंड में सिर्फ कैंसिल तक दिया है तो ये एक इंट्रांसिटिव हो गया क्योंकि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं बता रहा है। नेक्स्ट है रिटर्न वर्ड दे रहा है, तो डोंट फॉरगेट टू रिटर्न दोज बुक्स, तो यहाँ रिटर्न क्या करने के लिए कह रहा है बुक्स, तो बुक्स ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ बुक से रिलेटेड हो गया यहाँ का वर्ड। बट इंट्रांसिटिव वाले में देखिए, इंट्रांसिटिव में ऐसा कुछ नहीं दे रहा है कि इसमें कोई ऑब्जेक्ट हो तो ये इंट्रांसिटिव सेंटेंस हो गया। इसी तरह रन का दे रहा है, द रन एज कैफ टुगेदर, तो यहाँ पर रन जो है टुगेदर से रिलेटेड दिया है, बट इंट्रांसिटिव में दिया है हाउ फास्ट कैन यू रन, तो यहाँ रन से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रहा है। तो वो सारे सेंटेंस जिनमें वर्ब से रिलेटेड ऑब्जेक्ट अगर है तो वो ट्रांसिटिव हो जाते हैं, और सारे वर्ड्स जिनमें वर्ड से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वो इंट्रांसिटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये आज आपने पढ़ा ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब के बारे में। ओके, ये थे आपके ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब, और इसको आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, कुछ इसमें नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा आपका वीडियो को देख सकते हैं, और चाहे तो इससे नोट्स भी बना सकते हैं।